Cook and Bakes since 2010. अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं कुक एंड बेक्स यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए विदाउट ईस्ट, विदाउट ओवन और विदाउट चीज़ पिज़्ज़ा बनाना सिखा रही हूँ। मुझे बहुत सारे मेरे व्यूवर्स हैं जो उन्होंने मुझे फरमाइश की थी कि आप हमें विदाउट ईस्ट, विदाउट ओवन और विदाउट चीज़ पिज़्ज़ा बनाना सिखाएं। बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पे चीज़ अवेलेबल नहीं होती है, ईस्ट अवेलेबल नहीं होती है, कुछ लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो उन लोगों के लिए आज मैं ये पिज़्ज़ा लेके आई हूँ। बहुत इजी और सिंपल रेसिपी है, लेकिन आगे जाने से पहले आपसे कहती चलूँ, अगर तो आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरी वीडियोस को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलें, ताकि मेरे आने वाली हर नई रेसिपी आप तक इजीली पहुंच सके। चलें अब स्टार्ट करते हैं। जिसके लिए मैंने मैदा लिया है, 2 कप मैदा भर के और 3 खाने के चम्मच ये आटा, गंदम का जो चक्की का घर का आटा होता है वो, 2 कप मैदा और 3 खाने के चम्मच इसके अंदर मैंने चक्की का गंदम का आटा लिए, 1/2 कप 4 खाने के चम्मच दही लिए मैंने, 3 खाने के चम्मच ऑयल लिए, 1 चाय का चम्मच चीनी, ये 1/4 चाय का चम्मच बेकिंग सोडा, मीठा सोडा कहते हैं इसको, बेकिंग सोडा भी कहते हैं, और 1/2 चाय का चम्मच बेकिंग पाउडर मैंने लिए है, और पानी इसके लिए एज रिक्वायर्ड है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। अच्छा, मैं इसके अंदर ये चीनी, बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर ऐड कर रही हूँ। इसको डाल के इसको पहले मैं अच्छे से मिक्स करूँगी। मेक श्योर कि आपके हाथ साफ होने चाहिए। इसको अच्छे से मिक्स कर लूँ। अब मैं इसके अंदर दही डालूंगी। अगर आपके पास कर्ड है आप कर्ड डाल सकते हैं। कर्ड यानी जो दही, पानी नुचड़ा हुआ दही होता है वो, और ये ऑयल इसके अंदर डाल रही हूँ। इसको डाल के पहले मैं मिक्स करूँगी, बाद में हम इसके अंदर पानी डालेंगे। अब हम इसके अंदर पानी शामिल करेंगे। पानी आपने थोड़ा थोड़ा करके अपने हाथ पे रख के लेना है, और बेकिंग सोडा डालते हुए आप बहुत एहतियात करें। बेकिंग सोडा जितनी मैंने आपको क्वांटिटी बताई है आप उतनी ही डालें, वरना आपका पिज़्ज़ा जो है वो टेस्टलेस हो जाएगा, कड़वा हो जाएगा। बेकिंग पाउडर से तो कुछ नहीं, इतना नहीं होता, लेकिन बेकिंग सोडा जब भी आप किसी चीज़ में डालें, आपका क्वांटिटी ज़्यादा हो जाए तो वो चीज़ आपकी कड़वी हो जाती है, टेस्ट बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। इसलिए आप हमेशा ख्याल करें, बेकिंग सोडा डालते हुए जितनी क्वांटिटी आपको बताई जाए आप उसी क्वांटिटी को लेके आगे चलें। पानी को आपने थोड़ा थोड़ा अपने हाथ में डाल के फिर उससे आपने डो को गूंदना है। देखिए नाजरीन, इसको मैंने गूंद दी है। आपने इस तरह नरम गूंदना है, ना सख्त हो ना नरम हो। अब इसको मैं 1 घंटा जो है वो ढक के रख दूंगी। किसी भी कपड़े से आप जो है वो कपड़ा इस तरह रख के आप इसको ढक के रखते हैं। हमारी डो जो है वो, उसको मैंने राइस करने के लिए छोड़ दिया हुआ है। अब मैं चिकन की फिलिंग जो है, पिज़्ज़ा की फिलिंग है वो बनाने लगी हूँ। इसमें मुझे वेजिटेबल्स चाहिए। मैंने शिमला मिर्च ली है, 2 अदद शिमला मिर्च मीडियम साइज़ की, उनको बारीक इस तरह चॉप कर लिया है। बंद गोभी, आधी बंद गोभी ली है, 1/2 कप आपने इसको बारीक इस तरह चॉप कर लेना है। 2 अदद स्मॉल साइज़ के प्याज, उनको मैंने चॉप कर लिया है। गाजर है, 1 अदद बड़े साइज़ की गाजर ली है, इसको बारीक चॉप कर लिया है। ये पिज़्ज़ा सॉस है, पिज़्ज़ा सॉस की रेसिपी भी इंशाल्लाह आपको मैं जल्द दूंगी। अगर आपके पास पिज़्ज़ा सॉस नहीं है तो आप केचप के अंदर धड़ा मिर्च और सिरका और काली मिर्च डाल के उसको मिक्स करके तो आप वो लगा लें। ये पेपरिका पाउडर है, 1 चाय का चम्मच भर के पेपरिका पाउडर, 1 चाय का चम्मच भर के धड़ा मिर्च, लहसुन पाउडर 1 चाय का चम्मच, नमक 1/2 चाय का चम्मच, चिकन पाउडर 1/2 चाय का चम्मच, काली मिर्च 1/2 चाय का चम्मच, ज़ीरा पाउडर 1/2 चाय का चम्मच। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। मैंने पैन ली है, पैन के नीचे मैं आग लगा रही हूँ, फ्लेम ऑन कर दें।
एक टेबल स्पून भर के मैंने ऑयल ले लिए। अब इसके अंदर मैं वेजिटेबल को सौते करूंगी। सबसे पहले आपने गाजर डालनी है, गाजर डाल के इसको सौते करना है। जी नाज़रीन, ये देखें वेजिटेबल जो है इनका लाइट सा कलर जो है वो चेंज हो गया गाजर का। अब मैं इसके अंदर ये बाकी सारी वेजिटेबल डाल दूंगी, शिमला मिर्च, बंद गोभी और प्याज, और इसको एक मिनट और इनको डाल के सौते करूंगी। अच्छा, एक मिनट हो गया, वेजिटेबल भी सौते हो गए। अब मैं ये सारे स्पाइसेस के अंदर डाल दूंगी। आप अच्छे से मिक्स कर लें। अच्छा, जो पिज्जा सॉस मेरे पास है इसमें से 2 खाने के चम्मच मैं इसके अंदर शामिल करूंगी। बस एक मिनट इन सबको पकाऊंगी और चूल्हे से उतार दूंगी। जी नाजरीन, अब हम पिज़्ज़ा के लिए जो चीज़ यूज़ नहीं करेंगे, लेकिन चीज़ की जगह जो हम यूज़ करेंगे वाइट सॉस, उसके इंग्रेडिएंट्स आपको बता दूं। इसके लिए मैंने 1 कप दूध लिए, 2 खाने के चम्मच मैंने मैदा लिया, 1 खाने का चम्मच मक्खन लिए। आप कोई भी ले सकते हैं, आप जो मार्केट में दस्तयाब हैं अनसाल्टेड, साल्टेड कोई भी मक्खन ले सकते हैं, और 1/4 कप मायोनीज़ लिए मैंने। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। शेक पैन में मैंने बटर डाल दिया, बटर डाल के इसको मैं मेल्ट करूँगी। मेल्ट करने के बाद इसके अंदर हम मैदा शामिल करेंगे। इसको अच्छे से मेल्ट कर लें आप। आप कोई भी मक्खन ले सकते हैं, क्लेरिफाइड बटर भी ले सकते हैं, आप जो घर का मक्खन है आप उससे भी बना सकते हैं। अब इसके अंदर मैं ये मैदा शामिल करूंगी और इसको 1 मिनट भूनूंगी मैं। अब इसके अंदर इसको मैं चूल्हे से हटाऊंगी और इसके अंदर दूध शामिल कर दूंगी। चूल्हे से हटा के आपने हमेशा दूध डालना होता है, वरना इसकी जो गुठलियाँ बन जाती हैं वो फिर मेल्ट नहीं होती हैं। इसको मैं पहले अच्छे से मिक्स करूंगी और फिर इसको फ्लेम के ऊपर रखूंगी। सही, मैदा इसके अंदर मिक्स हो चुका है। अब मैं इसके अंदर 1 चुटकी काली मिर्च शामिल करूंगी और 1 चुटकी नमक इसके अंदर डाल दूंगी। ज़्यादा नहीं डाल रही क्योंकि मायोनीज में भी नमक होता है, और आपने इसको गाढ़ा होने तक इसको पकाना है। ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना, बस लिक्विड ही फॉर्म में आना चाहिए। जी नाज़रीन, ये देखें ये गाढ़ा हो चुका है। अब आप इसको रख देंगे, इससे ज़्यादा आपने गाढ़ा नहीं करना क्योंकि ये ठंडा होके और ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है, इसलिए अब आप इसको फ्लेम से उतार लें और ठंडा करके इसके अंदर मायोनीज शामिल करेंगे। अच्छा देखिए नाज़रीन, हमारी डो राइज हो चुकी है। अब मैं इसमें से पेड़ा लूँगी। ये देखें कितनी ज़बरदस्त सॉफ्ट डो है, और आपने हमेशा इसको इसी तरह टर्न करना होता है। अच्छा, मैंने एक ही तवा लिया है, नॉन स्टिक का तवा है मेरे पास, पैन है, इसके ऊपर मैंने
आप शॉर्टनिंग भी लगा सकते हैं अगर आपके पास है। मैंने घी घी लगा के इसको ब्रश कर दिया, ग्रीस कर दिया है। अब मैं ये डो इसके ऊपर रख के इसको इस तरह फैलाऊंगी हाथ से। इसको बिल्कुल मैं फैला दूंगी बड़ी रोटी की तरह, ज़्यादा मोटा नहीं रखना, लेकिन ये है कि बस आप लेवल में एक रखें। अच्छा ये देखें मैंने इसको स्प्रेड कर लिया। अब मैं उंगलियों की मदद से इसको साइडों से इस तरह दबाऊंगी। अब मैं फोक से इसको इस तरह फ्लिक कर लूंगी ताकि हीट ऊपर तक अच्छे से आए। पिज़्ज़ा सॉस, आप इसको अच्छे से पिज़्ज़ा सॉस इसके ऊपर स्प्रेड कर दें। अच्छा ये व्हाइट सॉस भी जो है वो ठंडी हो चुकी है। अब मैं ये मायनीज इसके अंदर शामिल कर दूंगी। और इसको अच्छे से मिक्स कर लूंगी। अच्छे से इसको मिक्स कर लें, गुठली ना इसके अंदर रहे। अच्छा ये पिज़्ज़ा सॉस मैं इसके ऊपर ये लगाऊंगी, ये वाइट सॉस, और इसको ब्रश से इस तरह स्प्रेड कर दूंगी। ये वेजिटेबल इसके अंदर डालेंगे। इसको अच्छे से आप स्प्रेड कर लें सारी वेजिटेबल को। ये मैंने इसके अंदर ऊपर वेजिटेबल स्प्रेड कर दिए। अब मैं ये जो व्हाइट सॉस मैंने बनाई हुई है ये इसके ऊपर डालूंगी। आप सारी इस तरह इस पे स्प्रेड कर दें। अब मैं इसके ऊपर ये ऑलिव रख रही हूँ, ब्लैक ऑलिव। आपके पास ब्लैक नहीं है, ग्रीन है, आप ग्रीन ऑलिव रख लें। जितने आपको पसंद है आप उतने ऑलिव रखें। और ये ओरिगेनो इसके ऊपर डाल के अब मैं इसको चूल्हे पे रख दूँगी। आपकी फ्लेम जो है वो इतनी होनी चाहिए, आप तवे को चूल्हे के ऊपर रख के और इसको इसके ऊपर ढक देंगे। मैं इसके ऊपर ये लेडी स्टार रख रही हूँ और इसको 15 मिनट बिल्कुल नहीं छेड़ना। जी नाज़रीन ये देखें हमारा ज़बरदस्त सा तवा पिज़्ज़ा बिल्कुल रेडी है। इसको मैं तवे से उतार लिया। अब मैं इसको कट करूँगी। ये देखें हमारा ज़बरदस्त सा तवा पिज़्ज़ा रेडी है, विदाउट ईस्ट, विदाउट चीज़। ज़बरदस्त, आप इसको घर में ज़रूर ट्राई करें। बहुत रिजनेबल रेसिपी है और जिनके घर में ओवन नहीं है वो तवे पे बना सकते हैं। विदाउट चीज़, विदाउट ईस्ट जो है वो आप पिज़्ज़ा बनाएं और मुझे रिव्यूज़ दें, मुझे फीडबैक दें आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है। मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।